सब्सक्राइब करें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तिलक लगाने का बहुत बड़ा फल है, स्पेशली गोपी चंदन लगाने का। जो हम लोग निम्बार्की हैं, ये तिलक जो देख रहे हैं ये गोपी चंदन का तिलक है। आज हिंदुओं के घर से तिलक गायब है, ऑलमोस्ट तिलक नहीं लगाएंगे। क्यों? इनको अपने आप पे शर्म आती है, हम तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे। तुम्हें अपने आप पे शर्म आती है, लेकिन तिलक नहीं लगाया तो तुम्हारे गोविंद क्या कहेंगे, कभी सोचा? आपको एक बात बता रहे हैं, कोई घर में व्यक्ति मर जाए, उसे छूने से व्यक्ति पवित्र होता है कि नहीं, बोलिए। क्यों? बोले वो सब है, सबको छुएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। ठीक वैसे जैसे सबको छूने से अपवित्र हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जिसके माथे पे तिलक न हो उसे छूने से भी हम अपवित्र हो जाते हैं। उसी तरीके से जिसके माथे पे तिलक नहीं वो सबके समान है, वो मरे हुए के समान है। और गोपी चंदन तिलक लगाने का तो लाभ ही कई गुना है। बता दे कि नहीं, कोई लगाता है गोपी चंदन का तिलक? कौन कौन लगाते हैं? अच्छा, अरे वाह, आइए हम इसका फल बताते हैं, और आज के बाद आपकी और श्रद्धा बढ़ जाएगी गोपी चंदन में। माथे पे गोपी चंदन महत्वपूर्ण क्यों है, ध्यान से सुने। कई लोग बड़ा शॉर्टकट लगा के लाली लगाई और चल पड़े, क्यों? टाइम ही नहीं है ना, हम पे टाइम नहीं है चंदन लगाने का, मत लगाओ, नुकसान तुम्हारा है, पड़ोसियों का थोड़ी। हम बता रहे तुम्हें, ध्यान से सुनो। एक राजा था, बहुत बुरा राजा था, अत्यंत बुरा, सारे बुरे व्यसन उसमें थे, अच्छाई तो एक नहीं थी उसमें। जुआ वो खेलता था, मदिरा वो पीता था, वैश्यगामी वो था, सब बुरे काम वो करता था, लेकिन धन था उसमें, ऐश्वर्य था, राजा तो था ही। तो महाराज बड़े घमंड में रहता, कभी संत महात्माओं का आदर सत्कार नहीं करता था, इसलिए संत महात्मा उसके यहां जाते भी नहीं थे। उसका एक शत्रु राजा था, वो इससे बड़ा परेशान रहता था। वो चाहता था कि सामने से युद्ध करना तो इससे जीतना मुश्किल है, इसे धोखे से मारा जाए। वो राजा शाम के समय वन में, बाघ होते थे पहले ना, बाघ में उसमें घोड़े पे बैठ के वो अकेला ही जाता था और शेर करता था। जब शेर करने जाता था, घूमने जाता था, तो राजा को लगा कि उसी टाइम इसको धोखे से मारा जाए, तो उसने दो दूत भेजे कि तुम पहले से ही उस बाग में जाके छिप जाओ, उस जंगल में जाके छिप जाओ, और जब वो आए तो पेड़ में छुपना, तलवार बाहर निकाल के रखना, और जब वो आए तो उसको मार डालना। बोले ठीक। राजा तो गोरा था ही, वो लोग दूत जाके पहले से वहां छिप गए, और जब दूत वहां छिप गए तो वो राजा वहां से जब निकला तो उन दूतों ने तलवार निकाली और उसका सर काट दिया, उसका सर धड़ से अलग हो गया, और जहां उसका सर गिरा वहीं पास में तालाब था, पास में तालाब था, और तालाब में एक भगत जी स्नान करके तिलक लगा रहे थे गोपी चंदन का। गोपी चंदन का तिलक लगा रहे थे तो कुछ चंदन की बूंदें पृथ्वी पे गिर गईं, कुछ चंदन की बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, और जब पृथ्वी पे गिरी उसका सर उन्हीं चंदन की बूंदों पे आके गिर गया। अब जैसे कोई मर जाए तो जीवात्मा जाती है धर्मराज के यहाँ, और धर्मराज के यहाँ जाकर पूरा निर्णय होता है, उसका कर्म का फल जो भी होता है वहां होता है। धर्मराज के यहाँ पहुंचा तो पूरा हिसाब किताब हुआ, और हिसाब किताब तो बड़ा खतरनाक था, अच्छा काम तो कुछ किया ही नहीं, कभी अच्छा काम किया ही नहीं। तो उसे कुंभी पाक नामक नरक में डाला गया। कौन से नरक में? जोर से बोलो, सारी कथा मुझे ही कहनी है क्या? मेरा साथ तो दो कम से कम।
कौन से नरक में डाला गया? कुंभी पाक। कुंभी पाक नरक में क्या होता है पता हूं? वहां एक बहुत बड़ी भट्टी है, बहुत बड़ी भट्टी है, और उस पर बहुत बड़ी कढ़ाई है, और उसमें बहुत सारा तेल है, और वो भयंकर खोल रहा है, भयंकर खोल रहा है, और उस खोलते हुए तेल में उस पापी को डाला जाता है। खोलते हुए तेल में उस पापी को डाला जाता है। तो उस राजा की आत्मा को लेकर गए और उस खोलते हुए तेल में उस राजा की आत्मा को डाल दिया, डाल दिया। अब जैसे उस राजा की आत्मा उसमें डाली, उस भट्टी की अग्नि शांत हो गई। जो तेल खोला हुआ था वो एकदम ठंडा पड़ गया। यमदूतों ने यमराज से जाके कहा, यमराज भी वैष्णव हैं, उन्हें लगा कि आज तक मेरी याद में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमपुरी में कुंभी पाक नरक में उस अग्नि को किसी ने शांत किया है। अब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ये अग्नि शांत कैसे हुई। तो यमराज ने देवर्षि नारद जी को याद किया। देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए पहुंचे। देवर्षि नारद से पूछा, महाराज मुझे तो याद नहीं, मेरे तो याददाश्त में ऐसा कभी हुआ नहीं कि ये अग्नि कभी शांत हुई हो। ऐसा क्या हो गया कि इस इतने बड़े पापी को जब हमने इसमें कढ़ाई में डाला तो भट्टी की अग्नि शांत हो गई, तेल ठंडा पड़ गया, ऐसा क्या हो गया? देवर्षि नारद ने नेत्र बंद किए, पूरी घटना उनको समझ में आ गई। और पूरी घटना जब समझ में आई तो उनको पता चला कि जहां इसका सर कट के उस गोपी चंदन की बूंदों का स्पर्श किया, ये गोपी चंदन का वो प्रभाव है कि उसके स्पर्श मात्र से इसके इतने विशाल काय पाप भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। ऐसा पापिष्ट राजा भी यमलोक गया, नरक में गया, भट्टी में डाला गया, लेकिन अग्नि उसे जला नहीं सकी। क्यों नहीं जला सकी? मात्र गोपी चंदन के प्रभाव से। हे हिंदुओं, तुम लोगों ने अपना नरक जाने का रास्ता खुद से तैयार किया है। भगवान का नाम नहीं, माथे पे तिलक नहीं, मंदिर जाना अच्छा लगता नहीं, मंदिर कैसे जाना चाहिए यह भी पता नहीं, किस स्थिति में मंदिर नहीं जाना चाहिए यह भी पता नहीं। छोटी छोटी जानकारी तो हम सबको रखनी चाहिए, लेकिन कहने का अभिप्राय मेरा, माथे पे तिलक लगाने का बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा महात्म है। इसलिए माथे पे हमेशा, हमारे बुजुर्ग तो कहा करते हैं ब्रज में कि भैया वैसे रात्रि में तिलक नहीं होता है, पर जब अवस्था अधिक हो जाती है तो कह देते हैं कि जब हम सोए तो अब तिलक मत हटाना। क्यों? बोले पता नहीं कहीं सोते सोते ही ना रह जाए। तिलक लगा रहेगा तो यमराज के दूत हमारा स्पर्श नहीं करेंगे। आज से पहले यह ज्ञान था आपको तिलक के विषय में? जोर से बोलो, यो करो कि यो करो, नहीं था? अब हो गया। अब एवरीडे माथे पे गोपी चंदन का तिलक लगाइए, ये मेरा निवेदन है आप सबसे।